हेलो एवरी वन इट्स मे हमसे यू आर वॉचिंग एसियट्स वेलकम बैक टू द चैनल आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया सेव कंट्रीज फ्राम हंगर बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स हंड्रेड एंड रैंक टू इंडिया तो बात तो वही है कि भाई इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है वर्ल्ड का नंबर वन राइस एक्सपोर्टर है और पूरी दुनिया में अनाज मसाले फ्रूट और भी खाने पीने का बहुत सारा सामान जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट भी करते खुद भी यूज़ करता है और कभी किसी पे माड़ा टाइम आ जाए तो इंडिया उसकी मदद भी कर सकता है जैसे करता है कर सकता है क्या करता भी है जैसे हमने म्यांमार में देखा अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली हमने देखा था तो देखते हैं ये क्या सीन है मतलब हंड्रेड एंड क्यों दी है अंगर इंडेक्स पे क्या वजह थी तो शुरू करते हैं थ्री टू वन एन नमस्कार सलाम प्रणाम और शाम के इंडी न्यूज देख रहे हैं। सभी दर्शकों को प्यार भरी तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम तो आपने सुना ही होगा दुनिया के अंदर कितने लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं ये एक जो पता, है, इससे पता लगता एक है बंदे से इसने है। हाल ही में अपने आंकड़े जारी किए हैं एक देशों को लेकर और इसमें भारत का जो नंबर है एक आ गया है आप कहोगे कि पिछले साल हमारा आंकड़ा क्या था उससे पिछले साल क्या आंकड़ा था नहीं? और उससे पिछले साल आंकड़ा क्या था जादा? सारे आंकड़े हमें बताओ और इन आंकड़ों के ऊपर हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहता, रहता है? है क्या ये जो बातें करते हैं ये बातें वाकई में ही सच होती है या फिर ड्यूटी होती है सारी बातें बताओ सारी बातें बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है तो शुरू करते को हैं दोस्तों सबसे पहले तो कर दोस्तों कर भारत की पोजीशन आपको दिखाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी देशों की पोजीशन आपको दिखाते हैं भारत का रैंक है एक और भारत से नीचे एक हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान जिसकी रैंक का है एक और दोस्तों हमारे और और जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया श्रीलंका हो गया उनकी पोजीशन हमारे से अच्छी है श्रीलंका का रैंकिंग यहाँ पर चौसठवें नंबर पर है नेपाल की में बांग्लादेश की चौरासी और पाकिस्तान की निन्यानवे नंबर की यहाँ पर रैंकिंग आई है अब दोस्तों आपको दुनिया के और देशों के आंकड़ों में भी इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक कंट्रीज का जो आंकड़ा है आपके सामने चल रहा है बेसिकली चाइना का The जो रैंकिंग है यहां पर सबको सरप्राइज कर देगी क्योंकि चाइना की रैंकिंग यहां पर करीब चौथे नंबर की है दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर चाइना है

के अंदर किस तरीके का क्राइसिस आया था चाइना और दुनिया के देशों ने एक मदद देने से मना कर दिया था लेकिन भारत अपने एक कंटेनरों के कंटेनर भरकर श्रीलंका के अंदर मदद भेज रहा था अपना सभी चीजें दे रहा था लेकिन फिर भी भारत की जो रैंकिंग है श्रीलंका से पीछे है तो ये क्या कारण है दोस्तों एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को एक नंबर दिया जाता है और दूसरी सिचुएशन में वही भारत दुनिया के देशों में वैक्सीन दे रहा है वही भारत दूसरे देशों को बचा रहा है भुखमरी के हालातों से। तो इस है के से तो आंकड़ों ऊपर आप कैसे बिलीव कर सकते हो भारत की सरकार ने एक बार फिर से इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहिए हालांकि पिछले साल भी ये रैंकिंग आई थी तो भारत की सरकार ने कहा था कि ये रैंकिंग के आंकड़े जो है सही नहीं है और उन्होंने कहा था की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने पांच किलो जो राशन है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है और बेसिकली बहुत जो एक अनाज है भारत है। के अंदर कम रेटों पर भी बिकता है और कम रेटों पर बिकने के कारण भारत में जो कीमतें हैं गेहूं और अनाज की कीमतें वो कम है दोस्तों रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के दौर में आपने देखा था कि पूरी दुनिया के अंदर गेहूं और अनाज की ये जो एक चावल की कीमतें बढ़ रही थी लेकिन भारत के अंदर वो कीमतें कम थी भारत के अंदर जरूर लोगों के पास पैसा कम होगा लेकिन

आप नॉर्मली ये जो किया जाता है इंडेक्सिंग या सर्वेस किए जाते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू किए जाते हैं और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर सर्वे वही अटैम्प्ट करते हैं जो बहुत वेले होते हैं या बहुत इलीट क्लास से होते हैं तो गरीब बंदे को क्या पता है जिसके हाथ में जो है आम सा फ़ोन है और वो जो है ना मतलब अपने काम धंधे में लगा हुआ है वो कहाँ सर्वे के लिए टाइम निकालेगा तो मेरा ये मानना है कि ये एस्टिमेशन होती है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं इसको करती हैं और आ, अपना अपना एक दबदबा दिखाने के लिए ना दूसरे कंट्री पे ये जारी किया जाता है क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये ज़्यादा डाउटफुल ऐसे हो जाता है कि श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान इनकी रैंकिंग भी इंडिया से अच्छी दिखाई गई है चलो पाकिस्तान का फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन जिस तरह से फ्लड ने हिट की है हमारा तो नीचे जाना चाहिए रैंक आ, लेकिन यहाँ पे मतलब इंडिया का नीचे गया तो बढ़िया अजीब बात है और वहाँ पे तो हमने सुना है कि वो राशन कार्ड आधार कार्ड और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं तो जिसकी वजह से आपको जो है ना यूटिलिटीज़ जो हैं वो सस्ती मिलती हैं यहाँ पे तो ऐसा सीन है नहीं तो पता नहीं यार क्या कैसे रैंकिंग बनाए कैसे की है समझ में कुछ नहीं आया वैसे कि किस बेस पर पे रैंक उन्होंने दिया है तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ कौन कौन से फैक्टर हैं अगर किसी को पता है कि किन फैक्टर्स को देख के ये रैंक दिया जाता है वो कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आप हमें तरह तरह की वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं सी यू ओ इन द नेक्स्ट वीडियो